Assalamu alaikum everybody and welcome back to Fatima's Journey. Ajmane Abgobatana here. Everything that you need to know about diabetes. So let's get started. So diabetes actually hoti kya hai? Well, diabetes is a chronic illness that alleviates your levels of blood sugar over time, and that can lead to serious damage of the heart, of the vessels, of your eyes, your kidneys and everything. So iska matlab hai ki diabetes agar aapko ho jaye aapko long period baad aapko dil ka masla bhi ho sakta hai, gurdiyon ka, khoon ka, aankhon ka bhi ho sakta hai. So hoti kya hai ye hum dekhte hain ki type 2 diabetes हमारी बॉडी जो है वो इंसुलिन बनाती है पर हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं करती नॉर्मली इंसुलिन को, तो वो ग्लूकोस हमारे सेल्स के अंदर जा नहीं सकता, इसलिए ये फिर डायबिटीज़ होता है. और डॉक्टर्स इसको बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस. हमारी बॉडी में होता काफ़ी सारा इंसुलिन है पर हमारी बॉडी यूज़ और यूटिलाइज नहीं करती इस बार के जैसे हमें करना चाहिए, इसलिए फिर हमें शुगर के मसले होते हैं. ये एक्चुअली वर्क कैसे होता है? सो पहले आप अगर कुछ खाओ जिसमें बहुत सारी चीनी होगी या इस तरह कुछ, योर BSLs दे रिलीज द इंसुलिन, एंड देन जो आपका लिवर है that takes up the glucose and stores it as glycogen, और फिर इसके साथ आपका blood glucose level नीचे होता है. और दूसरी साइड साइकिल की है कि आप कुछ खाओ या कुछ इस तरह का हो या आपने कुछ खाया ना हो बहुत देर के लिए, आपकी blood sugar नीचे गिर जाएगी और फिर the alpha cells release glucagon in your body. और फिर जो लिवर होता है वो ब्रेक डाउन करता है ग्लाइकोजन एंड इट रिलीजेस द ग्लूकोस जो वो पहले स्टोर किया हुआ था, और फिर वो ब्लड ग्लूकोस लेवल ऊपर होती है और इसको हम बोलते हैं होम्योस्टेसिस. होम्योस्टेसिस होती है, इसका बस यही मतलब है कि ब्लड शुगर स्टेबल होना और अच्छा होना. डायबिटीज़ का एक्चुअल कॉज क्या है आप सोच रहे होंगे? वेल, टाइप 1 डायबिटीज़ एक अननोन, हमें अभी पता नहीं है कौन सी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से होता है. ये आपके पैदा हो और ये होता है. और टाइप 2 डायबिटीज़ ये बाद में ज़िंदगी में होता है, आपकी जीन्स की वजह से हो सकता है, अगर आपके अम्मी या अबू के पास हो, आपकी लाइफस्टाइल के बारे में हो सकता है, अगर आप बहुत शुगरी फूड्स खाएँ और अगर आप एक्सरसाइज ना करें, ये सब फैक्टर्स टाइप 2 डायबिटीज़ को ले आती है. टाइप 1 डायबिटीज़ के लिए अभी कोई क्योर नहीं है इंसुलिन लेने के लिए बजाय, पर टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए है, टाइप 2 डायबिटीज़ रिवर्स हो सकती है, पर ये बहुत बहुत रेयर होता है. पर इसका ये मतलब नहीं है कि ये नामुमकिन है. अगर आपको टाइप 2 डायबिटीज़ हो, आपने अपना फूड कंट्रोल करना है, एक्सरसाइज आदि करनी है. अगर आपकी सीवियर केस हो, आपको इंसुलिन भी लगानी पड़ेगी और कोई गोलियां भी होती हैं मेटफॉर्मिन जैसे जो आपको खाने पड़ेगी. तो मैं आपको बताऊंगी कि आप कितनी ऑफ्टन आपको अपनी ब्लड शुगर चेक करनी चाहिए. हर पर्सन पे डिफरेंट होता है, पर ये थोड़ी सी मैं आपको गाइडलाइन दूंगी. तो आपको चेक करना चाहिए जब आप उठें, एंड बिफोर मील्स, आफ्टर मील्स, व्हेन गिविंग इंसुलिन, व्हेन एक्सरसाइजिंग, एंड बिफोर गोइंग टू बेड. नाउ आई पुट अ टेबल हियर सो दैट यू कैन, आपको थोड़ा सा लाइक आइडिया हो जाए कि आप अगर नॉर्मल हो, नई डायबिटीज़ या प्री डायबिटिक हो, वो थे जिनको बॉर्डर लाइन पे हो उनकी डायबिटीज़, या आप हो जिस जो आपको एक्चुअली डायबिटीज़ हो, ये थोड़ा सा आपको आइडिया देगा कि आपके किस रेंज पर ऊपर आपकी डायबिटीज़ होना चाहिए. सिम्टम्स है क्या डायबिटीज़ के?
अगर आप फील करते हो बहुत आपको प्यास लगी हो, अगर आप बाथरूम बहुत जा रहे हैं, अगर आपको बहुत थकावट हो रही हो, या आपके कोई कोट्स या ब्रूजेज़ या वूंड्स इस तरह हो जो बहुत देर लगाए हील होने के लिए, अगर आपकी विजन थोड़ी सी ब्लर्ड हो और आपका वेट घटे कोई एक्सप्लेनेशन के बजाय, ये सब सिम्टम्स है डायबिटीज़ की आपकी। ऑल्सो ये काफ़ी लोगों को नहीं पता, पर आपकी पैरों को भी बहुत 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 मसला हो सकता है। तो आपने मेक श्योर करना है कि आप अपने पैरों का बहुत बहुत ख्याल रखें, क्योंकि डायबिटीज़ उनको बहुत अफेक्ट करती हैं। तो मैं आपको बताऊंगी क्या क्या आप कर सकते हैं उनके ख्याल के लिए। तो आप अपने पैरों को इंस्पेक्ट करिए डेली, अगर कोई आपको काट तो नहीं पाई, कोई ब्रूज, कोई सोज या इस तरह कुछ तो नहीं है। और आपको काफ़ी जैसे 2-3 महीनों बाद या 6 महीनों बाद आप एक फीट एक्सपर्ट से या डायबिटिक नर्स से अपने पैर भी चेक कराने चाहिए आपको। ऑल्सो आप रेगुलरली मॉइस्चराइज भी करें अपने फीट, क्रीम लगा के, फिर वो अच्छे होंगे, आपकी फीट भी फ्रेश रहेंगे और आपकी ब्लड सर्कुलेशन भी इम्प्रूव होगी। और अपने क्योंकि हमारी बॉडी में आखिरी प्लेस खून जाता है पैरों को, इसलिए हम बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम अपने पैर हलाए जाएँ कि उधर खून जाए। और हम की भी जिम्मेदारी है, अगर आपको type 2 डायबिटीज़ है, कि आप हेल्थी ब्लड शुगर लेवल्स मेंटेन करें और इंशाल्लाह आपको आपके पैर को कुछ भी नहीं होगा। अगर आप के थोड़ा सा लाल हो, थोड़ी सी भी सोज पड़ी हो या इस तरह कुछ अपने पैरों पे, फिर जल्दी से जल्दी आप कोई डॉक्टर को देखें। ये देखो, ये भी और मैंने आपको बताया है कि डेली फुट एग्जामिनेशंस डेली, इसका मतलब है कि हर रोज़ अपने पैरों को देखना एसेंशियल है। ये अपनी एक हैबिट बना लो कि सुबह अगर आप फजर पढ़ने के लिए उठिए या इस तरह कुछ, आप 100% अपने पैरों को चेक करिए। और ये भी बहुत लोग की नहीं देखते, पर प्रॉपर जो जूती आपके सही आए, कई लोग की पहनते हैं जूती जो उनके पूरी नहीं आती या बड़ी होती है या छोटी होती है, और ये भी आपकी पैरों के लिए नहीं सही, क्योंकि जो डायबिटीज़ है ये आपके पैरों को फीलिंग ही चल जाती है। इसलिए शू फिटिंग बहुत बहुत ज़रूरी है। और अब हम देखेंगे, अगर आपको एक दिन हुआ जहाँ आपकी डायबिटीज़ इतनी अच्छी नहीं रही, आपके बहुत हाई ब्लड शुगर होए, फिर आपको क्या करना चाहिए? आप फोकस करें पॉजिटिव श्याओं पे। आप देखें कि इतने दिन हुए हैं, आपकी इतनी अच्छी रही है ब्लड शुगर, शायद एक दिन बहुत ऊपर चली गई हो और वो कोई बात नहीं, क्योंकि इस तरह के दिन होते रहते हैं। आप कुछ करें जो आपको अच्छा लगे, जो आप इन्जॉय करिए। और ये बहुत लोग की करते हैं कि खानों हट जाते हैं, जो उनको अच्छे लगते हैं खाना वो नहीं खाते, ये आप बिल्कुल मत करिए। जो आपका दिल चाहे वो आप करें और खाइए। ऑब्वियसली मॉडरेटली खाना है, बहुत भी नहीं खाना, क्योंकि फिर आपकी शुगर और भी बढ़ सकती है, पर इस तरह भी नहीं करनी कि बिल्कुल नहीं खाना। और आप रिकग्नाइज भी करिए आप कितना कोशिश कर रहे हैं, कितनी आपने लाइफस्टाइल चेंजेस बनाई है कि आप अच्छी ब्लड शुगर लेवल्स को मेंटेन रखें और इंशाल्लाह रिवर्स करें, है ना। तो ये भी रिकग्नाइज करें आप अपने बारे में, और कभी नहीं आप अपने आप को जज करना। तो आप अपनी डायबिटीज़ को एक्चुअली कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? आपकी डायबिटीज़ को कंट्रोल करना पहले बड़ी बड़ी बात है, अपनी डाइट को कंट्रोल करना। आप चूज़ करें हेल्थी कार्बोहाइड्रेट्स खाने के लिए, लून ना इतना खाया करें, लाल मीट या प्रोसेस्ड मीट ये भी आप अपना कट करें, ज़्यादा फ्रूट और वेजिटेबल्स खाया करें और हेल्थी फैट्स खाया करो। ये तेल तूल इस तरह की चीज़ें आप कम कर दें, और जो एडेड शुगर्स वो भी कम कर दें। एडेड शुगर्स का मतलब ये कि
जैसे चॉकलेट और इस तरह की शेयर जो नेचुरल शुगर्स नहीं है, जो फ्रूट में इस तरह, उससे अलावा सारा कुछ एडेड शुगर्स होता है, वो भी आप अपना कट करें. वेजिटेबल्स आप खाएं जो ज़मीन के ऊपर ग्रो होती हैं, लाइक ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लाइक ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, क्यूकम्बर, टमाटर, ये वहाँ सारे खाएं. ये जैसे वेजिटेबल्स जैसे कैरेट, बीट, पम्पकिन, सेलरी, टर्निप, ये मॉडरेशन में खाएं आप. और बेरी, स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, ये जैसे आधा कप आप खा सकते हैं दिन का. और जैसे दाल होगी, बीन्स हो गए, ये आप भी मॉडरेशन में खाएं. और जो ग्रेन्स है और स्टार्च है, समझ लो आलू, कॉर्न, स्वीट पोटैटो, वो आप बिल्कुल अवॉइड करें. ये मैंने और भी आपके लिए लगाया है कि आपको थोड़ा सा और आइडिया हो. ये सुपर फूड्स है जैसे बीन्स, टमाटो, सामन, फ्रूट, सिट्रस फ्रूट, होल ग्रेन्स, रॉ नट, स्वीट पोटैटो, बेरी, फैट फ्री डेरी, ये सब बहुत बहुत हेल्थी हैं और अच्छे हैं जिनके जिनको डायबिटीज़ हो, क्योंकि इनमें ऑलमोस्ट ज़ीरो कार्ब्स हैं और आपके ब्लड शुगर को हेल्प करता है स्टेबलाइज करने के लिए. आप और ये भी कर सकते हैं कि मील प्लान बनाए, और ये मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगी. ऑब्वियसली आपने इस तरह ज़रूरी नहीं है कि आप यही मील प्लान करें, पर ये मैं आपको एग्जांपल दिखा रही हूँ कि काफ़ी लोग के इस तरह करते हैं कि उनको पता हो कि हाँ मैं आज ये खाऊंगी ये खाऊंगी, क्योंकि काफ़ी ऑफ्टन मुश्किल होता है कि सोचने के लिए मैं आज क्या खाऊं आज क्या खाऊं आज क्या खाऊं, अगर आपको पता ना हो. क्योंकि ऑब्वियसली आपकी डाइट काफ़ी रिस्ट्रिक्ट होगी अगर आप रिवर्स करना चाहे. अगर आप मील प्लान बनाओगे तो फिर ये आपको प्रॉब्लम नहीं होगी. ये देखे, ये संडे ब्रेकफास्ट के लिए होल ग्रेन बटर मिल्क पैनकेक्स, सैटरडे ब्रेकफास्ट ये देखो वेजी लोडेड ऑमलेट एंड सुमस स्क्वाश एंड एवोकाडो, ये देखो फ्राइडे नाश्ता है होल ग्रेन एवोकाडो टोस्ट विद सिलान्ट्रो, और थर्सडे है स्ट्रॉबेरी पीच और बादाम की स्मूदी, वेंसडे अंडा और वेजी की मफिन्स, जुकीनी प्याज ताफेटा, और ट्यूसडे है होल ग्रेन टोस्ट नट बटर और बनाना के स्लाइस, और मंडे खाते हैं स्टील ओट्स वॉलनट और फ्रेश बेरी, लंच में ये खाते हैं सामन और बीन्स और ग्राउंड टर्की और चिली बीन और चिकन सीजर सैलड, और डिनर में खाते हैं जैसे रोस्टेड चिकन आलूओं के साथ और वेजिटेबल्स, और एक और दिन खाते हैं ग्रिल्ड फिश टैकोस विद कैबेज एंड सिलान्ट्रो कोलेस्लो. मैं ये आपको इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप देखो ये कितनी अच्छी वैरायटी है खाने के लिए, बहुत देखो वैरायटी है, कुछ भी प्लेन सिंपल नहीं है ना. आप इस तरह ना सोचना कि अगर आप डायबिटीज़ रिवर्स करनी है आपको जैसे लेट्टस ही हर रोज़ खानी पड़ेगी, जैसे इस तरह बिल्कुल भी नहीं. ये देखो ये कितनी अच्छी डिफरेंट वैरायटी शेयर है जो ये पर्सन अपने मील प्लान में डाल रहे हैं और ये खा रहे हैं, और इस तरह के ही उनकी ब्लड शुगर लेवल स्टेबल रहेगी. ये बहुत अच्छे भी खाने हैं, मज़ेदार भी है, और आपके ब्लड शुगर को भी अच्छे रखते हैं. मैं उम्मीद रखती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल थी और आपको बहुत इससे इंफॉर्मेशन मिली. आप भूलना मत इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना कि और लोगों को भी अवेयरनेस होए अपनी डायबिटीज़ को कैसे हैंडल कर सकते हैं और कैसे इंशाल्लाह अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स करते हैं. अल्लाह हाफिज़.